नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। तो खबर लखनऊ से है, जहां मेदांता अस्पताल लखनऊ एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर में स्थित है। यह अस्पताल लखनऊ में स्थानीय और अन्य क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मेदांता अस्पताल में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं और रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ पर मशहूर डॉक्टर्स और विशेषज्ञ हैं जो नवीनतम चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करते हैं। मेदांता अस्पताल लखनऊ में एक अच्छी आधारशिला रखता है जो रोगियों को विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सही दिशा में ले जाता है। यहाँ पर महिला और बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। अस्पताल में नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो रोगियों को अधिक सुरक्षित और अस्पताल में रहने के दौरान अधिक सहज बनाता है। मेदांता अस्पताल लखनऊ की स्थिति भी अत्याधुनिक सुविधाजनक है। यही संदेश व्याख्या और परामर्श प्रदान करता है ताकि रोगी और उसके परिवार सदैव सहायक हो सकें। इसके अलावा यहाँ पर अनुभवी और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ भी हैं जो रोगियों की देखभाल में सक्षम है। मेदांता अस्पताल लखनऊ का मूल मकसद रोगियों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। यहाँ पर समाज के हर वर्ग को उच्चतम स्तर की सेवाएं प्राप्त होती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। अस्पताल में एक व्यापक रोगी संगठन भी है जो उनके चिकित्सा संदर्भ में सहायक है। समाप्ति के रूप में मेदांता अस्पताल लखनऊ ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उच्च गुणवत्ता और समर्पण के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की है। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण यह एक लोकप्रिय और सामान्य लोगों का आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। आइए सुनते हैं। मधुमेह रोगी काजू खा सकता है या नहीं, सुनिए मेदांता अस्पताल के मधुमेह विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष गुच ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नट्स के ऊपर। जो नट्स में सबसे ज्यादा उपयोग में आता है वो है काजू या कैजोनट्स के ऊपर बात करेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं डायबिटीज का ट्रेंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो हमको हमेशा दो चीजों का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना होता है। एक आप फिजिकल एक्टिविटी या रूटीन में फिजिकल मूवमेंट कितना करते हैं किसी भी फॉर्म में, और एक आपका डाइट पैटर्न या हेल्दियर डाइट पैटर्न क्या होता है। डाइट पैटर्न अगर आपका अच्छा रहेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें जो एक डायबिटिक पेशेंट को चाहिए वो बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल रहेंगे। जैसे कि अगर आपका डाइट पैटर्न बहुत अच्छा है तो आपका ब्लड ग्लूकोज का स्तर या ब्लड ग्लूकोज के फ्लक्चुएशन काफी हद तक कम रहेंगे। साथ में अगर आपका डाइट पैटर्न बहुत अच्छा है तो आपका बॉडी वेट भी इंक्रीज नहीं करेगा। साथ में ये बेनिफिशियल इफेक्ट आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे और साथ में आपके ब्लड प्रेशर पे भी डालता है। तो एक डाइट पैटर्न आपका एक बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसमें से नट्स या ड्राई फ्रूट सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन्स के या फाइबर्स के। साथ में इसमें कुछ मात्रा में फैट होता है, अच्छा फैट भी होता है जो उपयोग में लाया जा सकता है। मगर इसके ऊपर कुछ मिसकॉन्सेप्शन या मिस है। मिसकॉन्सेप्शन क्या है? अगर हम ड्राई फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करेंगे तो हमें होने वाली कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें ज्यादा हो जाएंगी। पहला मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा आता है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन, अगर हम नट्स का प्रयोग करेंगे तो हमारा वजन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तीसरा मिसकॉन्सेप्शन, अगर हम नट का प्रयोग करेंगे तो हमारा ब्लड ग्लूकोज या ब्लड ग्लूकोज का स्तर या उछाल काफी तेजी गति से जाएगा। तो क्या ये मिसकॉन्सेप्शन सही है? आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। आज हम जिस भागों में डिवाइड करके इसको डिस्कस करेंगे, आखिर नट्स में स्पेशली काजू के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या ये कोई हेल्थ बेनिफिट देता है कि नहीं देता, और क्या हमारे डायबिटिक पेशेंट काजू या कैजोनट्स को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो हमारे इंडिया में और विदेशों में अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स पाए जाते हैं, जिसमें से काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट और भी बहुत तरह के ड्राई फ्रूट या नट्स पाए जाते हैं, और कई डायबिटिक पेशेंट अलग अलग तरीके से इसको लेने का प्रयास करते हैं और लेते भी हैं। तो आज हम तुलना करेंगे सिर्फ और सिर्फ काजू पे, बाकी की चीज के लिए हम आगे वाले टॉपिक में या आगे वाले वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम 100 ग्राम काजू की बात करें, 100 ग्राम जो काजू है उसमें लगभग कैलोरी, मतलब आपको कितनी एनर्जी दे सकता है, वो लगभग 550 किलो कैलोरीज वो आपको प्रोवाइड करता है। मतलब एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, मतलब एनर्जी डेंस फूड भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आपको कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास मिलता है वो लगभग 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, लगभग थोड़ा सा फाइबर 3.3 ग्राम फाइबर्स आपको देता है, थोड़ा सा प्रोटीन देता है लगभग 18 ग्राम के आसपास, और फैट 43 ग्राम फैट आपको प्रोवाइड करता है। अब इसको हम एक एक भागों में तुलना करके देखते हैं।
जो आपको इसमें से फैट मिल रहा है, फैट में तीन अलग अलग तरह के फैट की वैरायटीज हैं, एक सैचुरेटेड फैट है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, मतलब इसमें ट्रांस फैट नहीं पाया जाता है। तो ये जो फैट पाया जाता है बहुत अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए, ये लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि इसका रेशियो जो है सैचुरेटेड फैट अगर 1 है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट 2 है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट फिर 1 है, मतलब 1:2:1। तो काफी अच्छा इसमें जो अपने को फैट पाया जाता है जो अच्छा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर सकता है वो इसमें है। इसमें जो फाइबर पाया जाता है वो भी बहुत उपयोगी है। उस फाइबर से होता क्या है कि आपका खाना खाने के बाद का शुगर जो है वो काफी हद तक नीचे रहता है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, जो आप भी कुछ भी खाना खा रहे हैं उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस को थोड़ा सा कम कर देता है, तो ब्लड ग्लूकोज का उछाल काफी हद तक कम देखने को मिलता है। तो इसमें जो भी विटामिन पाए जाते हैं, लगभग सारे तरह के विटामिन है, एक दो विटामिन को छोड़ के विटामिन ए ठीक ठाक मिलता है, विटामिन सी भी थोड़ा मिलता है आपको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है बहुत अलग अलग, विटामिन के भी मिलता है आपको इसके अंदर, बस B12 का सोर्स नहीं मिलता है, B12 का सोर्स मतलब आपको ज्यादातर मांस मछलियों में ही देखने को मिलता है। तो लगभग इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, मिनरल्स के अंदर जैसे आपका पोटेशियम का सोर्स अच्छा है, कैल्शियम मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, फॉलवाइट है, तो इसमें अलग अलग तरह के आपको मिनरल्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं कि इतना सारा विटामिन है, इतने ज्यादा मिनरल्स है, तो उसके आखिर हेल्थ बेनिफिट है क्या। तो जो है हेल्थ बेनिफिट सबसे ज्यादा देता है हमको, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट जो हम लोग को देता है वो है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफी हद तक कम कर देता है। तो जिन पेशेंट को डिसलिपिडेमिया या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, अगर वो कुछ हद तक कैथोनेट या काजू का उपयोग करते हैं तो देखा ये क्या है कि काफी हद तक कोलेस्ट्रॉल, खासकर वो कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट की दिक्कतें पैदा कर सकता है, उसको काफी हद तक कम कर देता है। दूसरा, यह आपको हार्ट की बीमारियों से, क्योंकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत हद तक मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और इसमें ट्रांस एसिड नहीं है, तो ये काफी हद तक आपको हार्ट की बीमारियों से कमी करवा देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो इसको देखने को मिलता है, ये बहुत जल्दी आपकी भूख को असर को कम कर देता है, मतलब ये सेटाइटी करवा देता है, तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगती है, तो उससे वेट लॉस होने का पैटर्न शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज के उछाल को, खासकर खाना खाने के बाद के ब्लड ग्लूकोज के उछाल को काफी हद तक ये कम रखता है। मगर सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज, क्या हमारे डायबिटिक पेशेंट काजू का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर हम 100 ग्राम काजू की बात करें तो इसमें 553 किलो कैलोरीज हम लोग को ये प्रोवाइड करता है, तो अगर इतना ज्यादा कैलोरी डेंस अगर हम फूड लेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जितना आप इसमें ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे उतना ब्लड ग्लूकोज का स्तर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। मगर इसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का नाम दिया गया है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 23 है, मतलब लो, बिल्कुल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और इसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 2 है, मतलब ये ब्लड ग्लूकोज के स्तर को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाता। मगर हर डायबिटिक पेशेंट को राय दी जाती है कि अगर वो काजू का उपयोग करना चाहते हैं तो काफी कम मात्रा में करें, पोर्शन साइज के हिसाब से कैलकुलेट करके चलें, मतलब अगर आप एक दिन में काजू खाना चाहते हैं तो हल्क 2, 3 या 4 काजू, कोशिश करिए काजू की कोई भी सब्जी बनाने, काजू की ग्रेवी, जैसे काफी हद तक पसंद है, कई बटर चिकन खा रहा है, बटर पनीर खा रहा है, तो उसमें काजू की ग्रेवी का काफी हद तक मिक्सन किया जाता है, उस चीज का उपयोग ना करें। मार्केट में कई हद तक काजू की बर्फी, गाजर का हलवा, उसमें काजू का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसमें काजू की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एनर्जी डेंस फूड हो जाता है, ऐसी चीजों का उपयोग बिल्कुल ना करें। और खासकर काजू जो आपको प्रोसेसिंग के बाद मिलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट, मसाला काजू, इन सब चीजों का उपयोग से बचें। सबसे उपयोगी राय, अगर आप काजू खाने के शौकीन हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो मेरी राय में ज्यादा नहीं खाना है, कम खाना है, कभी कभी खाना है, कोशिश ये करें दूसरे नट्स के साथ और भोजन के बीच के अंतराल पे ले, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच में। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा पेश होंगे। अगर कोई आपके सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अगले वीडियो के तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।